साथी में आए युवक को हथियारबंद बाइक सवार बदमाशों ने लूटा। भले ही मेरठ पुलिस बदमाशों के एनकाउंटर कर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन मेरठ में पुलिस का खौफ बदमाशों के दिल से निकल चुका है। जी हां, मेरठ में लगातार क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन लूट, डकैती, मर्डर जैसी घटनाओं से मेरठ दहल रहा है। ताजा मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी इलाके का है, जहां शादी में आए युवक से बदमाशों ने मारपीट के बाद बाइक लूटी और फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 7 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना ब्रह्मपुरी इलाके के माधवपुरम सेक्टर 3 स्थित एक मंडप के पास के इलाके में रहने वाले विशाल नाम का युवक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहा था। लौटते वक्त रास्ते में R15 बाइक पर सवार विशाल को 2 स्कूटी और 1 बाइक पर 6 बदमाश मिले, इसके जिनके पास तमंचे और चाकू थे। बदमाशों ने बाइक सवार विशाल को रोका और उससे बाइक की चाबी मांगी। विशाल ने चाबी देने से मना किया तो उस पर तमंचे की बट से वार किया और फायरिंग भी की, जिसमें विशाल बाल बाल बचा। डरे और सहमे विशाल से बदमाश उसकी मोटरसाइकिल और उसका मोबाइल छीन कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश के नाम पर 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ तो शुरू कर दी, लेकिन बदमाशों को पकड़ने में नाकाम ही साबित हुई। जबकि बदमाशों ने उस वारदात को चौकी से कुछ ही दूरी पर अंजाम दिया और आसानी से फरार हो गए। क्या कौन सा बाइक की चाबी मांगी हमारी R15 की, हमने मना कर दी देने के लिए भैया चाबी। उनने तुरंत क्या कहा भाई, बड़े वाले भैया को उतारा, उससे मारपीट करी। अब भैया मेरा उनने तुरंत एक ने कट्टा लगाया पेट में और एक ने मेरा कट्टा मार दिया सिर में। अच्छा, क्या नंबर था तुम्हारे R15 का? भैया R15 भैया क्या कहा, जिन्ने नंबर बताया 44 पे अभी पीछा करा था हमने उनका। तो तुम्हारा चोट इसी लगी, इसी बट से लगी हुई है? इन भैया के साथ में बैठा था। छीन के लेके भग गए? हाँ भैया, मोबाइल वोबाइल सब छीन के भग गए भैया। भैया कम से कम 5-6 जने हैं, चप्पू कट्टे ले लेके, जिसमें एक ने मेरे यहाँ पे कट्टा मारा है, दूसरे ने एक ने फायर करी है साइड में पूरी की पूरी। एक ने चप्पू पूरा पूरा सामने चलाया, चाबी मांगी है, उसके बाद छीन के लेके गए। भैया क्या नंबर था आपका उसका? DL8S BH8709। भैया माधोपुरम से हैं, भैया शादी में है। ये शादी में यहाँ पर है, कौन से मंडप में? सर रात माधोपुरम में आधा दर्जन बदमाशों ने टावर पर फायरिंग की, क्या पूरा मामला? बीती रात्रि में एक शिकायत प्राप्त हुई है कि एक लड़के से मारपीट की गई है और उसकी मोटरसाइकिल आज छीनने की भी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें जो जितने संदिग्ध लोग थे वो सारे संदिग्ध लोगों को तत्काल कार्रवाई करते हुए थाने पे लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और मौके पे जो CCTV फुटेज और जो वादी के कथन है उनके अनुसार फैक्ट उसमें जो है उनकी जांच करके उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सर अभी तक गिरफ्तारी की है? नहीं, मैंने जैसा कि बताया जो संदिग्ध 7 लोग हैं, 7 लोगों को संदिग्ध को लाया गया है पूछताछ के लिए, जो वादी ने बताया है उसके आधार पे और जो मौके पे और लोग थे उनके वार्ताक्रम में जो तथ्य आएंगे उनकी जांच करके फिर उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है।